एवरीबडी, दिस इज डिजिटल ब्लैक बोर्ड बाय सचिन पिनागमोतन। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई स्टार्टर इज रिक्वायर्ड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है वो हम चेक करेंगे, और हम एक स्टार्टर भी डिस्कस करेंगे, वो है 3 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि डीसी मोटर जो है इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। अब मैकेनिकल पावर रहता है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, तो इसलिए हम एक लेते हैं आर्मेचर। इस आर्मेचर से हमें मैकेनिकल पावर मिलने वाला है, लेकिन वो कब मिलेगा, जब ये आर्मेचर रोटेट होगा। अब आर्मेचर से मैकेनिकल पावर तभी मिलेगा जब हम उस आर्मेचर को इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमने एक डीसी वोल्टेज सोर्स ले लिया। अब डीसी वोल्टेज सोर्स हम डायरेक्टली आर्मेचर को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में जो है आर्मेचर रोटेट होने वाला है तो हमारा सर्किट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्रशेस और कम्यूटेटर के थ्रू हम जो है डीसी सप्लाई आर्मेचर को प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आर्मेचर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आर्मेचर से करंट फ्लो होने के बाद आर्मेचर नहीं घूमेगा, क्योंकि डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि हमें व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इट एक्सप्रेसेस द मैकेनिकल फोर्स। इसका मतलब इस करंट कैरिंग आर्मेचर को हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स में रखना पड़ेगा। तो फ्लक्स के लिए हमें क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग लेंगे। अब फील्ड वाइंडिंग से भी करंट फ्लो होगा, जैसे ही फील्ड वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा वहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा। इसका मतलब अभी हमारा करंट कैरिंग आर्मेचर किसके बीच में है, फ्लक्स के बीच में। तो अब जाके आर्मेचर के ऊपर जो है टॉर्क डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा, और आर्मेचर रोटेट होगा और हमें मैकेनिकल पावर मिलेगा। अब क्वांटिटीज है वो उसके हम नाम चेक कर लेते हैं। तो आर्मेचर से फ्लो होने वाले करंट का को है आई बोलते हैं, दैट इज आर्मेचर करंट, उसको डिनोट करते हैं आई से। आर्मेचर में रेजिस्टेंस है, क्योंकि आर्मेचर इज नथिंग बट मेड अप ऑफ कंडक्टर, तो उसका नाम है आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब हमें एक बात क्लियर हो रही है यहाँ पे कि आर्मेचर रोटेट हो रहा है और फ्लक्स के बीच में रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे जनरेटर एक्शन होंगी। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग विद एनी कंडक्टर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ गेट इंड्यूस इन दैट कंडक्टर। तो यहाँ पे भी जनरेटर एक्शन हो रहा है, तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला होता है उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, क्योंकि ये ईएमएफ जो है इसका अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज को। सो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ आर्मेचर इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो ई भी हो गया। अब अगर हम इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे आर्मेचर के इस वोल्टेज सोर्स के साइड वाले लूप में, अगर हमने केवीएल अप्लाई किया तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं वोल्टेज इक्वेशन। तो वो इक्वेशन है Vs इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए इंटू इज नथिंग बट वोल्टेज इक्वेशन, जहाँ पे Vs जो है वो है सप्लाई वोल्टेज, ई बी जो है वो है बैक ई एम एफ, आई जो है वो है आर्मेचर करंट, और आर ए जो है वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर ए जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा हम एनालाइज करेंगे, तो आई इंटू आर ए हो जाता है वी एस माइनस ई बी, तो हमें आई का फार्मूला मिल जाता है, आई हो गया वी एस माइनस ई बी अपॉन आर ए, तो ये हो गया आई का फार्मूला। अब थोड़ा गौर करके देखो तो ये पता चलता है कि ई बी जो है वो बैक ई एम एफ है। अब बैक ई एम एफ का मतलब है इंड्यूस ई एम एफ इन द आर्मेचर ऑफ डी सी मोटर। तो आर्मेचर में डीसी मोटर के आर्मेचर में ई एम एफ इंड्यूस तभी होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तभी होगा जब ये आर्मेचर रोटेट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो आर्मेचर रोटेट नहीं हो रहा है, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी मोटर को तो आर्मेचर तो रोटेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्पीड कितनी रहेगी आर्मेचर की स्टार्टिंग में, जीरो। अब बैक ई एम एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्पीड को, सो ई बी इज प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो इसका मतलब एट स्टार्टिंग ई बी कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, क्योंकि एन भी कितना है, स्पीड भी कितनी आर्मेचर की, जीरो। तो आई का फार्मूला क्या हो गया, आई का फार्मूला हो गया वी एस अपॉन आर ए, क्योंकि ई बी कितना है, जीरो है। सो आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर ए। अब वी एस क्या है, सप्लाई वोल्टेज है जो काफ़ी हाई रहता है, यानी एक 230 वोल्ट की अगर मोटर हम डिस्कस करेंगे तो वी एस कितना हो गया 230, लेकिन उसके कंपेयर में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो काफ़ी क्या रहता है, लो रहता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में काफ़ी लो वैल्यू है और न्यूमरेटर में काफ़ी हाई वैल्यू है, तो आई क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में, आई की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में काफ़ी हाई रहेंगी। सो आई इज़ वेरी हाई एट स्टार्टिंग, और अगर हाई करंट फ्लो होता है आर्मेचर में स्टार्टिंग में तो आर्मेचर की वाइंडिंग जल सकती है, सो इट कैन डैमेज द आर्मेचर वाइंडिंग। चलो क्लियर है, तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में आर्मेचर का करंट काफ़ी काफ़ी हाई रहने वाला है, और उसकी वजह से हमारा आर्मेचर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, अब सॉल्यूशन क्या होना, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हमें कैसे भी करके मिनिमाइज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में जो है आर्मेचर करंट, मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो हाउ टू मिनिमाइज, तो ये करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करेंगे, अरेंजमेंट यूज करेंगे, उसी को बोलते हैं स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर बेसिकली क्या है, तो स्टार्टर जो है वो है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे इन द सीरीज ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर टू कंट्रोल द करंट एट स्टार्टिंग।
और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हमें सिर्फ कब लगने वाला है, वो सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही लगने वाला है, क्योंकि जैसे मोटर घूमना शुरू हो जाएगा वैसे बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आर्मेचर करंट अपने आप क्या हो जाने वाला है, कम होने वाला है। तो आप यहाँ पे फार्मूला देखें कि स्टार्टिंग में आएगा फार्मूला क्या है, वीएस अपॉन आर ए। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर हमें करंट को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, तो हमें डिनोमीटर को बढ़ाना है, और डिनोमीटर में को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर ए के साथ यानी आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ कुछ रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। और आफ्टर स्टार्टिंग यानी रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई का फार्मूला वी एस माइनस ई बी अपॉन आर ए। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ओनली एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग का स्टार्टर जो है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमें सिर्फ स्टार्टिंग में लगता है, और रनिंग कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगता है। तो अरेंजमेंट भी ऐसी करनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में रहें और रनिंग में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कट हो जाए। तो इसी के लिए हम यूज़ करेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर। तो हम थ्री पॉइंट स्टार्टर को थ्री पॉइंट स्टार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन मेन टर्मिनल्स रहते हैं। तो पहला टर्मिनल है एल, जिसको बोलते हैं लाइन, उसका बाद दूसरा टर्मिनल है ए, जिसको बोलते हैं आर्मेचर, और तीसरा टर्मिनल है फील्ड। तो लाइन डायरेक्ट डीसी सप्लाई से जो आएगा वो टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा एल को, उसके बाद यहाँ से जो टर्मिनल निकलेगा ए से वो जाएगा आर्मेचर को, और एफ से जो टर्मिनल निकलेगा वो जाएगा फील्ड को। चलो तो हम अभी थ्री पॉइंट स्टार्टर डिस्कस करेंगे। तो थ्री पॉइंट स्टार्टर का यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, इसका मैकेनिज्म आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये थ्री पॉइंट स्टार्टर, ये हमारा आर्मेचर है। आप देख सकते हो कि आर्मेचर के सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज एडेड इन द सीरीज विद आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी स्विच को क्लोज करेंगे। तो स्विच को क्लोज करेंगे तो देखो करंट का फ्लो कैसे रहेगा। तो करंट पॉजिटिव से निकलेगा और इस पाथ को फॉलो करके, करंट कहाँ से फ्लो रहा है, फिलहाल करंट फ्लो रहा है फील्ड वाइंडिंग से। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उसमें फ्लक्स निकलेगा, लेकिन अभी भी हमारा आर्मेचर जो है वो रोटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें फोर्स डेवलप नहीं होगा। फोर्स डेवलप तभी होगा जब आर्मेचर से भी करंट फ्लो होगा। तो अब आर्मेचर से करंट फ्लो होने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक हैंडल लगाएंगे। तो इस पॉइंट को एक हैंडल लगा दिया, तो इस हैंडल का पहला एंड इस पॉइंट को है और दूसरा एंड कहाँ पे लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा, अब क्या हो रहा है, हमारा आर्मेचर से भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आर्मेचर से भी करंट फ्लो हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग से भी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब अभी आर्मेचर घूमना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आर्मेचर घूमना शुरू हो जाएगा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आर्मेचर करंट वैसे ही क्या होने वाला है, रिड्यूस। इसका मतलब हमें धीरे धीरे अभी क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे स्पीड बढ़ते जाएंगे डीसी मोटर की, जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएंगे हमें इस रेजिस्टेंस का काम नहीं पड़ेगा, और जब आर्मेचर जो है फुल स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगा तब ये पूरा रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर के सीरीज से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इस पोजीशन पे जब हैंडल आएगा तो इस पोजीशन पे एक कुछ भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखें, जब हैंडल यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या है, फुल आर्मेचर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज एडेड इन द सीरीज विद आर्मेचर रेजिस्टर। और उसके बाद जैसे मोटर ने घूमना शुरू किया, धीरे 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 हमने क्या किया, हैंडल को इस पोजीशन पे लाया जहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरा कट हो गया। अब हैंडल जो है, जब तक मोटर घूम रही है हैंडल जो है इसी पोजीशन पे रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होगा, जब तक इस वाइंडिंग से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इस हैंडल को जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होल्ड करके रखेगा इसी पोजीशन पे, ठीक है। और जब हम करंट को स्विच को ओपन कर देंगे, डीसी मोटर बंद कर देंगे, तो क्या होना चाहिए, यह आर्मेचर जो है फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। अब इस ओरिजिनल पोजीशन पे आना क्यों चाहिए, क्योंकि फिर कभी हम फ्यूचर में अगर डीसी मोटर को फिर से ऑन करते हैं तो फिर से क्या हो रहा है, ये पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर के सीरीज में आके बैठ गया है, ठीक है। तो अब फिर से हम इसको शॉर्ट शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आर्मेचर को क्या करेंगे, इस पोजीशन पे लाएंगे। तो ये हमने डिस्कस किया अभी कि थ्री पॉइंट स्टार्टर। अब इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। तो ये मेटल ब्रास आर्क यहाँ पे लगा है, जिसके ऊपर से हमारा हैंडल जो है घूमने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल ब्रास आर्क, ठीक है। और ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं स्टड्स, ठीक है। छोटे छोटे पोर्शन में हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है डिवाइड करके रखा है, इसको स्टड्स बोलते हैं। ये सॉफ्ट आयरन पीस है जो यहाँ पे लगा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको होल्ड करके रखने वाला है, तो वो सॉफ्ट आयरन पीस यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद ये जो है वो हैंडल है, उसके बाद ये 9 वोल्ट कॉइल है जो इस हैंडल को इस पोजीशन पे जो है फिक्स करके रखेगा। उसके बाद एक ओवरलोड रिलीज कॉइल भी है, जो फॉल्ट होता है अगर ओवरलोड होता है तो उसमें प्रोटेक्शन करके यूज़ होता है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, और ये डीसी सप्लाई है।
तो ये पोजीशन जो है हैंडल की, इस पोजीशन को बोलते हैं स्टार्ट पोजीशन। तो स्टार्टिंग में हैंडल इस पोजीशन में रहना चाहिए, और ये जो पोजीशन है हैंडल की इसको बोलते हैं रन पोजीशन। तो रनिंग में हैंडल की पोजीशन यहाँ पे रहनी चाहिए। तो ये कंप्लीट डायग्राम ऑफ थ्री पॉइंट स्टार्टर। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर क्यों जरूरत स्टार्टर की क्यों जरूरत है डीसी मोटर के लिए, और थ्री पॉइंट स्टार्टर कैसे काम करता है। सो आई होप यू गॉट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिटल ब्लैक बोर्ड। थैंक यू वेरी मच।